देखिए भाई, अब कराते हैं सेकंड एल्गोरिथम के साथ। सबसे पहले हमने कराई थी, देखिए अपन ने पहले कराई थी 1 डिग्री एल्गोरिथम के साथ। दोबारा से देख लीजिए इस रिएक्शन को, RCH2OH, इसकी रिएक्शन कराई थी अपन ने P+I2 के साथ। दोबारा से देखो इस रिएक्शन को, यहाँ लिया था 2, यहाँ लिया था 3, यहाँ बन गया 2PI, यानी PII और I, मैंने इसको ऐसे लिख लिया। अब देखिए I 3 है तो इसके 3 मोल ले लिए, यहाँ से निकल गया P OH का होल थ्राइस, या फिर इसको अपन कह सकते हैं H3PO3। अब I 3 यहाँ जुड़ जाते हैं, प्राप्त होता है 3RCH2I एल्केलाइड। दोबारा समझा रहा हूँ, ठीक है ना भाई। अब दोबारा से इसी कैसे कराते हैं, ई जी एम का 3 मोल लेते हैं, 3 H2 हो जाता है, प्राप्त होता है RCH2 और ये हो गया NO2 3 मोल। इसकी रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, HNO2 के साथ। यहां से गया H2, यहां से गया O, क्या निकल गया H2O, H2 बाहर हो जाता है, प्राप्त होता है 3RC डबल बॉन्ड NOH और एक सिंगल बॉन्ड NO2। ये जो हमने है नाइट्रोलिक अम्ल भाई, नाइट्रोलिक अम्ल की रिएक्शन कराते हैं अपन क्या, NaOH के साथ। यहां से गया OH, यहां से गया गया H, तो बाहर हो गया H2O, प्राप्त हुआ 3R सिंगल बॉन्ड CNO2 डबल बॉन्ड NONA। ये जो है ये एक सोडियम नाइट्रोजन लवण है, जो कि कैसे कलर का होता है, लाल रंग का होता है। ये मैंने 1 डिग्री के साथ कराई थी, अब 2 डिग्री अल्कोहल के साथ रिएक्शन देखिए आप, 2 डिग्री के साथ देखिए। रिएक्शन को 2 डिग्री अल्कोहल, यानी 2 डिग्री अल्कोहल के नाइट्रेट HNO2 से क्रिया करके एक छद्म नाइट्रोल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, छद्म नाइट्रोल, जिसमें प्रोटॉन अनुपस्थित होता है, उपस्थित नहीं होता है, या NOH के साथ कोई भी लवण नहीं बनाता है, यानी कि किसी भी कार्बनिक ग्रुप को मिलाने पर नीला रंग दे देता है। यहाँ देखिए मैं इसमें पॉइंट लिख रहा हूँ, 2 डिग्री अल्कोहल के नाइट्रेट, 2 डिग्री अल्कोहल के नाइट्राइट, 2 डिग्री अल्कोहल के नाइट्राइट HNO2 से क्रिया करके छद्म नाइट्रोल बनाते हैं, छद्म नाइट्रोल बनाते हैं जिसमें प्रोटॉन की अनुपस्थिति के कारण, इसमें प्रोटॉन क्या होता है, अनुपस्थित होता है, ये NaOH के साथ। कोई भी लवण नहीं बनाता है, अतः किसी भी कार्बनिक पदार्थ को मिलाने पर यह नीला रंग देता है। यह कैसा रंग देता है, नीला रंग देता है। अब देखिए इस थ्योरी को आप पढ़िए पहले, उसके बाद इसको मिटा दूंगा और रिएक्शन कराऊंगा। पहले इसको पढ़िए आप जल्दी से, इसमें थोड़ा सा स्टेप चेंज है, इसको मिटा रहा हूं मैं। आप देखिए इसमें क्या होता है, 2 डिग्री अल्कोहल है, इसकी रिएक्शन कराते हैं P+I2, रिएक्शन 2PI थी, मैंने बताया था, ये तो PI2 को मैं ऐसे देख रहा हूँ,
कोई प्रोसेस है पी मोल, इसके लिए पी ओ एस का होता है चेंज निकल गया, यहाँ इसको ले सकते हैं एस थ्री पी ओ थ्री, ठीक है ना। अब आई इसमें जुड़ जाएगा यहाँ पे थ्री आर आर सी एच वही हो गया आई, एस के हाइड्रेट हो गया, ठीक है ना। अब इसकी रिएक्शन कराते हैं ए सी एन ओ टू के साथ, AgNO2 के साथ इसकी क्या कराते हैं अपन रिएक्शन कराते हैं, यहां से निकल गया 3 प्राप्त हुआ 3RRCH और ये हो गया NO2, ये प्राप्त हो गया नाइट्राइड। अब इसमें क्या होता है देखिए, इसकी रिएक्शन कराते हैं किसके साथ HNO2 के साथ, HNO2 के साथ जब इसकी रिएक्शन कराते हैं तो होता क्या है, इसमें छद्म नाइट्रोल बनता है, क्या बनता है छद्म नाइट्रोल, छद्म नाइट्रोल जो होता है H2 निकल जाता है, क्या होता है R R C ये हो गया NO2, ये जुड़ गए यहाँ पे N डबल बॉन्ड टू, ये छद्म नाइट्रोल है, ठीक है। छद्म नाइट्रोल में आप देखिए यहाँ पे भी कोई भी एक प्रोटॉन नहीं है, प्रोटॉन ना होने के कारण यह किसी भी NOH के साथ क्रिया नहीं करता है, किसी भी क्षार के साथ क्रिया नहीं करता है, और कोई सा भी इसमें कार्बनिक पदार्थ मिला दें अपन को यह कैसे कलर देता है, एक नीला कलर देता है, ये कहता है सेकेंडरी अल्कोहल का परीक्षण, द्वितीयक अल्कोहल का परीक्षण। इसको आप उतार लीजिए जल्दी से, उसके बाद आगे चलते हैं, जल्दी से उतारिए भाई, जल्दी से उतारिए, एक बार समझा देंगे इसको, एक बार उतारिए जल्दी से, जल्दी से उतारिए। एक बार समझा देंगे इसको, पहले इसको उतारिए आप, देखिए इसमें दोबारा देखिए 2-degree alcohol की रिएक्शन करा दें P plus I2 के साथ, मैंने PI3 phosphorus triiodide PI3 को मैंने ऐसे लिख लिया, इसके तीन मोल ले लिए क्योंकि यहाँ पे I3 है, यहाँ से किया POH, OH देंगे तीन, POH का ऑल्ट्रेस, या POH का ऑल्ट्रेस को अपने ऐसे कर सकते हैं H3PO2 phosphoric अम्ल, ठीक है। अब ये I इसमें जुड़ गए, प्राप्त हुआ RRCHI, हाइड्राइड प्राप्त हो गया। अब होता क्या है, अब इसकी रिएक्शन कराते हैं AgNO2 के साथ, AgNO2 के साथ रिएक्शन कराते हैं, Ag यहाँ से गया, I यहाँ से गया, Agi बाहर निकल जाता है, NO2 में जुड़ जाता है, प्राप्त होता है RrCHNO2। अब इसकी रिएक्शन कराते हैं नाइट्रस अम्ल के साथ, यहाँ से निकल जाता है H2O, प्राप्त होता है RrCNO2 एन डबल बॉन्ड O, ये छद्म नाइट्रो कहलाता है। अब इसमें कोई भी एक H+ आयन नहीं है, इसमें प्रोटॉन अनुपस्थित होता है, इसलिए ये छार के साथ क्रिया नहीं करता है, और इसमें कोई भी अपन पदार्थ मिला दें, कोई भी कार्बनिक पदार्थ मिला दें, इसमें किसी भी कार्बनिक पदार्थ को मिला दिया जाए तो ये नीला रंग होता है, ये इसकी सेकेंडरी अल्कोहल का परीक्षण हो गया। नेक्स्ट 3-degree अल्कोहल क्या होता है, 3-degree अल्कोहल का नाइट्राइड होता है, उसमें एक भी एच परमाणु नहीं होता है, एक भी एच परमाणु ना होने के कारण यह HNO2 के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं करता है, और इसका विलयन रंग ही रहता है। अब मैं बता रहा हूँ 3-degree अल्कोहल के बारे में, देखिए आप तीसरा पॉइंट क्या है, 3-degree अल्कोहल, 3-degree अल्कोहल के नाइट्राइड में, नाइट्राइड में एक भी एच परमाणु उपस्थित नहीं होता है,
एक भी एच परमाणु उपस्थित नहीं होता है और यह HNO2 के साथ HNO2 के साथ क्रिया नहीं करता है। और इसका विलयन जो होता है रंगहीन रहता है, कलरलेस रहता है। कैसा रहता है? कलरलेस। रिएक्शन देखिए, R R R CH2H और रिएक्शन P प्लस I2 के साथ कराएं 2PI3 3 2 PI I और I 3 मोल ले लिए COS का उत्सर्जन खत्म कर दिया। यहाँ 2 होते हैं H3P होते हैं। आई यहाँ पर जुड़ जाएंगे R R R 3 है C और ये हो गया आपका I। इसकी रिएक्शन कराते हैं ये HNO2 के साथ, तीन मोल ले लिए यहाँ पे मिल गया DHAGS HNO2 इसमें जुड़ जाता है 3 R R R और ये हो गया आप CNO2। अब इसमें देखिए कार्बन के पास एक भी H परमाणु नहीं है, कार्बन के पास एक भी H परमाणु नहीं है तो ये HNO2 के साथ रिएक्शन नहीं करता है। HNO2 के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं होती है इसलिए इसका विलयन जो होता है वह कलरलेस होता है। कैसा होता है? कलरलेस। इसका विलयन रंगहीन रहता है। कैसा रहता है? रंगहीन। दोबारा देखिए, इसका विलयन रंगहीन रहता है। उतार लीजिए इसको जल्दी से, जल्दी से उतारिए इसको भाई। जल्दी से इसको नोट कीजिए। जल्दी से उतारिए इसको भाई। उसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, तीनों फ्रैक्शन हो चुके हैं 1 डिग्री के साथ, 2 डिग्री के साथ और 3 डिग्री के साथ। डालिया है नेक्स्ट देखिए, ये अपन ने करा दिया है पहले। उसके बाद है वी हाइड्रो हैलोजनीकरण वृक्षण या वी हाइड्रोजनीकरण वृक्षण, ये भी अपन ने रिएक्शन में पहले करा दिया है, ठीक है ना। और पांचवा जो वृक्षण है वो है ऑक्सीकरण वृक्षण। ये भी अपन ने करा दिया पहले, ठीक है। ये तीनों प्रश्न रिएक्शन में आ चुके हैं। इससे पहले मैंने ल्यूकास प्रश्न और उसके मैं प्रश्न करा दिए आपको। ये तीनों प्रश्न पहले ही आ चुके हैं। नेक्स्ट अब देखिए औद्योगिक महत्व के अल्कोहल। नेक्स्ट अगला पॉइंट है औद्योगिक महत्व के अल्कोहल। औद्योगिक महत्व के अल्कोहल जो हैं वो कौन कौन से होते हैं वो देखिए। पहला है मेथनॉल। मेथनॉल का जो फॉर्मूला होता है होता है CH3OH। क्या होता है? CH3OH। इसके अन्य नाम है, इसको कास्ट स्पिरिट के नाम से जानते हैं। लिखते जाइए इसको आप, कास्ट स्पिरिट के नाम से जानते हैं।
कास्ट स्प्रिट समझे लकड़ी के भंजे कास्ट से क्या होती है आसन से प्राप्त लकड़ी के भंजक आसन से प्राप्त होती है CH3OH। इसको बनाने की विधि है कार्बन मोनोऑक्साइड जो है उसकी रिएक्शन कराते हैं हाइड्रोजन के साथ, उत्प्रेरक है CO है या फिर ZNO है या CH2O होती है। तापमान होता है 573 केल्विन और दाब होता है 280। बनाने की विधि भी यहाँ पे लिखा रहा हूँ, यहाँ पे बनाने की विधि बनाने की विधि में क्या होता है कार्बन मोनोऑक्साइड CO की रिएक्शन कराते हैं H2 के साथ CuO या फिर ZnO या फिर Cr2O3। उत्प्रेरक है 573 केल्विन तापमान है और 200 वायुमंडलीय दाब होता है। H2 को दो मोल लेते हैं CH3OH बन जाता है। ये बन गया मेथेनॉल। क्या बन गया मेथेनॉल, क्योंकि मेथेनॉल के औद्योगिक उत्पादन के लिए CO तथा H2 को जल गैस या मेथेन की आंशिक ऑक्सीजन से प्राप्त किया जाता है। जल्दी से बताइए इसको, उसके बाद इसकी प्रॉपर्टी दिखाते हैं, इसकी प्रॉपर्टी दिखाते हैं। इसके बाद चाल लिया होगा शायद आपने, इसके नीचे नोट लिखिए, इसके नीचे नोट लिखो। मेथेनॉल के औद्योगिक उत्पादन के लिए नोट लिखिए, मेथेनॉल के औद्योगिक उत्पादन के लिए मेथेनॉल के औद्योगिक उत्पादन के लिए CO तथा H2 को जल गैस CO तथा H2 को जल गैस या मेथेन के आंशिक ऑक्सीकरण से प्राप्त किया जाता है। आंशिक ऑक्सीकरण से प्राप्त किया जाता है। ठीक है भाई, इसके बाद इसकी प्रॉपर्टी लिखा रहे हैं हम, जल्दी से कीजिए। प्रॉपर्टी लिखिए, पहली प्रॉपर्टी लिखो इसकी, पहली प्रॉपर्टी है यह रंगीन द्रव है, यह एक रंगहीन द्रव है, यह एक रंगहीन द्रव है जिसका बीपी 337.5 केल्विन होता है। इसका बीपी जो होता है वो 337.5 केल्विन होता है और इसका अपेक्षित घनत्व 0.795 होता है। उसी प्रॉपर्टीज है, ये जल में घुलनशील होता है, सॉरी घुलनशील होता है, जल में घुलनशील होता है। जल्दी ये घुल जाता है। और इसमें तीसरा पॉइंट इसकी प्रॉपर्टीज है, ये विषैला द्रव है, ये विषैला द्रव होता है। इसे पीने से व्यक्ति अंधा हो जाता है। मनुष्य
अंधा हो जाता है, चलता है अंधा हो जाता है, और अधिक मात्रा में पीने से मृत्यु हो जाती है। और अधिक मात्रा में पीने से क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। जल्दी से तारी प्रॉपर्टीज, तीनों प्रॉपर्टीज उतारी जल्दी से, जल्दी से तीनों प्रॉपर्टीज उतारी हमें, उसके बाद इसके उपयोग दिखाते हैं। तीनों प्रॉपर्टीज उतारी जल्दी से, जल्दी से उतारी इसको। तीनों प्रॉपर्टी हैं। नेक्स्ट इसके उपयोग लिखिए। इसके उपयोग लिखिए, उपयोग क्या है, पहला उपयोग लिखिए। पहला उपयोग लिखो, इसका उपयोग पेंट वार्निश, पेंट वार्निश, सेलुलॉइड आदि के विलायक के रूप में किया जाता है। विलायक के रूप में किया जाता है। दूसरा है फॉर्मेलिटी हेड के निर्माण में, तीसरा है एथेनॉल के विकृतीकरण में, एथेनॉल के विकृतीकरण में, एथेनॉल के विकृतीकरण में, और चौथा है ऑटोमोबाइल रेडिएटरों में एंटी फ्रिज के रूप में, ऑटोमोबाइल रेडिएटरों में एंटी फ्रिज के रूप में जल्दी से उतारिए भाई। पहला है इसका उपयोग पेंट वार्निश सेलुलॉइड आदि में विलायक के रूप में किया जाता है, दूसरा है फॉर्मेलिटी के निर्माण में, तीसरा है एथेनॉल के विकृतीकरण में, चौथा है ऑटोमोबाइल रेडिएटरों में एंटी फ्रिज के रूप में, पांचवा है कार्बनिक यौगिक जैसे हाइड्रोमेथेन के निर्माण में। जल्दी से उतारिए। जल्दी से उतारिए। नेक्स्ट आगे चलते हैं।
सारे जल्दी से उतारो भाई। खाली हो से नेक्स्ट सर्दियां ले लीजिए। एथेनॉल इसका फॉर्मूला होता है C2H5OH। अन्य नाम क्या होता है इसका, इस नाम से जानते हैं इसको, अन्य अल्कोहल कहते हैं। क्या कहते हैं? अन्य अल्कोहल। इसका जो अलग नेम है वो है अन्य अल्कोहल। ठीक है, इसे स्टार्च युक्त खाद्य पदार्थों से बनाया जाता है। औद्योगिक रूप से एथेनॉल को सीरा या स्टार्च युक्त खाद्य पदार्थों के कड़वन से बनाया जाता है और यह मदरा का मुख्य अंश होता है। हमें लिखना हूं मैं इसे स्टार्च युक्त खाद्य पदार्थों से बनाया जाता है। से बनाया जाता है। ठीक है, औद्योगिक रूप से एथेनॉल को सीरा या स्टार्च युक्त खाद्य पदार्थों के गठन से बनाया जाता है। यह मदरा का मुख्य अंश होता है। जटिल कार्बनिक पदार्थों का एंजाइमों द्वारा सजा पदार्थों का अपघटन कड़वन कहलाता है। ठीक है ना, जटिल कार्बनिक पदार्थों का एंजाइम के द्वारा सरल पदार्थों में अपघटन किरण कहता है। इस क्रिया में CO2H होती है। अब सीधे से एथेनॉल को कैसे बनाया जाता है उसको हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। पहले आप इसको उतारिए, जल्दी से उतारो। इसको भाई
अब देखिए सी जैसे एथेनॉल को कैसे बनाते हैं। फर्स्ट में पहला पॉइंट क्या है सी जैसे एथेनॉल का, पहला पॉइंट है सीधे से एथेनॉल निर्माण। सीधे से एथेनॉल के निर्माण के लिए क्या होता है, देखिए गन्ने और चुकंदर रस से शर्करा परिष्कर को पृथक कर दिया जाता है और गाढ़े भूरे रंग का एक द्रव पदार्थ से बचता है जिसे सीरा कहते हैं। क्या कहते हैं? सीरा। अब एक काम, गन्ने या चुकंदर के रस से शर्करा क्रिस्टल को पृथक करने के पश्चात एक गाढ़े भूरे रंग का द्रव पदार्थ शेष बचता है। जिसे सीरा या मोलेसेस कहते हैं। इसे सीरा या मोलेसेस कहा जाता है। सीरा या क्या कहते हैं? मोलेसेस कहा जाता है। सीरे में शर्करा ग्लूकोज फ्रक्टोज का मिश्रण होता है। सीरे में ग्लूकोज भी होता है, फ्रक्टोज भी होता है और शर्करा भी होती है। अतः सीरे से एथेनॉल को निम्न प्रकार बनाया जाता है। सीरे से एल्कोहल को कैसे प्राप्त किया जाता है, निम्न प्रकार प्राप्त किया जाता है। इसके स्टेप हैं, पहला स्टेप है तनुकरण। सबसे पहले क्या करते हैं, सीरे में जल मिलाते हैं और जल मिलाकर उसको पतला कर दिया जाता है। सीरे में जल मिलाकर उसे पतला कर दिया जाता है। यानी एक आयतन सीरे में पांच आयतन जल मिलाया जाता है। ठीक है। उसके बाद दूसरा स्टेप है अमोनियम लवण या अम्ल बनाना। अब सीरा जिसमें अपन ने जल मिला दिया वो तनु हो गया। तनु जलीय विलयन में H2S को मिलाते हैं जिससे इसका पीएच मान 4 से 5 के बीच रहे, उसमें जीवाणु उत्पन्न ना हो। इसमें कुछ मात्रा में अमोनियम सल्फेट या फिर अमोनियम फॉस्फेट मिलाते हैं जो कि खमीर के लिए भोजन का कार्य करता है। ठीक है ना। सबसे पहले हमें मिलाते हैं H2S4 और उसके बाद इसमें लवण मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं? लवण। तो उसको आप पहले उतारिए, उसके बाद मैं दूसरा स्टेप लिखवाता हूँ। जल्दी से उतारिए इसको आप पहले। सीरे से एथेनॉल कैसे प्राप्त होता है, पहला स्टेप है तनुकरण। सबसे पहले सीरे में हम जल मिलाते हैं और जल मिलाने के पश्चात उसको पतला कर लिया जाता है। एक आयतन सीरे में 5 आयतन जल के मिलाए जाते हैं। जल्दी से उतारिए इसको भाई।
दूसरा पॉइंट देखो, पहला हो गया तनुकरण, दूसरा पॉइंट है अम्ल बनाना या लवण बनाना। दूसरा पॉइंट क्या देखिए, इसके बाद दूसरा पॉइंट है अमोनियम लवण। यह अम्ल मिलाना, अब क्या करते हैं सीरे के तनु जले विलय में, सीरे के तनु जले विलय में तनु H2SO4 मिलाते हैं, जिससे विलयन का पीएच, जिससे इसका पीएच 5 से 6 के बीच रहे, 5 से 6 के बीच रहे या फिर 4 से 5 के बीच रहे, कुछ भी लिख सकते हो आप, 5 से 6 भी होता है, 4 से 5 होता है, 4 से 5 की विद्य, ठीक है ना। और इसमें जीवाणु उत्पन्न ना, और इसमें जीवाणु उत्पन्न ना हो तथा इसमें कुछ मात्रा में अमोनियम सल्फेट, इसमें कुछ मात्रा में अमोनियम सल्फेट तथा अमोनियम फॉस्फेट बनाते हैं। अमोनियम फॉस्फेट बनाते हैं, अमोनियम फॉस्फेट बनाते हैं जो कि हमीर के लिए भोजन का कार्य करता है। हमीर के लिए भोजन का कार्य करता है। भोजन का कार्य करता है। सबसे पहले सीरे में हमने जल मिलाया, जल के बाद मिलाने के बाद उसको तनु किया, और यानी एक आधा सीरे में हमने 5 आधा जल मिलाया, उसके बाद इसमें अमोनियम लवण या अम्ल मिलाते हैं, सीरी के तनु जले विलयन में H2SO4 मिलाते हैं, इससे विलयन का 4 से 5, इससे विलयन का जो पीएच है वो 4 से 5 रहे और इसमें जीवाणु उत्पन्न ना हो, और इसमें कुछ मात्रा में अमोनियम सल्फेट और अमोनियम फॉस्फेट मिलाते हैं जो कि हमें प्रति भोजन का कार्य करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हमीर मिलाते हैं, अब ये 2 पॉइंट हो गए, इसको बता दें जल्दी से, जल्दी से बता दें सेकेंड पॉइंट को। तारी जल्दी से उतार लिया होगा शायद, ठीक है।